लघु जीवन ये जीवन मुक्त होने के लिए आपको दिया गया और आप नीचे जा रहे हैं। जरा कौन समझ क्या आप अब रहा था, जो समय चला जाएगा वो कभी फिर वापस नहीं आएगा, ये हमें साथ ध्यान में रखो। इसलिए नामदाम को आपको गुमराही बहुत सरल है, लेकिन ये जरूर है कि आज कुछ हिसाब और पूर्णा का जो सारे देश में अपने अपने गुरुओं के लिए उस पूर्णा का आज एक पूजन का है और मतलब है कुछ आज का आपको फर्नीचर है, लेकिन फर्नीचर को वैसे नहीं होता, इतवार को वापस और उसमें इतवार को भी मतलब यह कि समय गुरु पूजा का लग रहा, यदि अंतरात्रि के बाद भी ये समय है तो कीजिए कि हिंदुस्तान में सब लोग उस समय हमको ये याद करना चाहिए कि जो हम पूजन करने के लिए जाए और आज उसका महोत्सव पूजन का है तो हम उनकी एक एक बात को याद करें और ये प्रतिज्ञा लें कि आपकी पूजन में मैं ये बुरा काम आपसे छोड़ता हूं। दूसरा पूजन आए उसमें पहले से तैयारी करो कि अपनी संकल्प लूंगा कि मैं ये काम दूसरा नहीं करूंगा खराब। तीसरा फिर तीसरे दफे यदि मैं करूंगा तो दो चार वर्ष बरसे में दो चार आप बुरे काम बुरे रास्ते छोड़ दोगे तो आप एक अच्छे तरफ में जाओ। इंसान बनो, जैसे तुम इंसान बनोगे कोई न कोई चलती फिरती भौतिक सच भौतिक मानव शरीर में मतलब योग विद्या को जानने वाली मिल जाएगी और आपको तुरंत उनको क्या है वो तो दरवाजा देखती रहती है, उनको नींदने में और प्रसन्न होने में क्या देर लगती है और सही रास्ता आपको अपने घर की तरफ चलो। अगर आज एक कदम बढ़ा दिया है तो कल दूसरा भी चल जाएगा, दो कदम बढ़ेंगे तो तीसरा भी बढ़ जाएगा, लेकिन आज से चलना तो शुरू अपने घर की तरफ करो। ये तो घर है नहीं आपका, आपको बहुत ऊंचे से आई हुई हो, जब दोनों आंखों के बीचों बीच मनुष्य मंदिर में जाकर बंद कर दिया तो नीचे छह अवसाद पांच नीचे और छठवे में जीवात्मा और पांच ऊपर, पांच मतलब उधर लिंग लोग सूक्ष्म लोग और कारण लोग और फिर उसके बाद पार्वमान और उसके बाद तो ये सारी जीवात्माएं सब गुजरी से आई एक ही घर से और सब मंडलों में सब प्रभातों में बांट दी गई, बांट के दे दिया गया खजा खज अनंतों ब्रह्मांड की किताबों में यानी स्याही समूह की बना दी जाए। ये पेड़ों के पत्तियां इनकी कलम बना दी जाए और लिखा नहीं जा सकता इतने ऊपर में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांडों में खजा रूहे जीवात्माएं भग और ऊपरी से जीवात्माओं का एक छोटा सा बंदा बहुत छोटा ये दे दिया गया, वो भी यहां पर अनगिनती और फिर उसके लिए उन्होंने वापस जाने के लिए आधार रखा है कि मैं सदा यहां पर संतों को बराबर रखूंगा, जब किसी की इच्छा हो और वापस जाने की घर में तो संतों से मिलाप कर लेना और उनकी मदद लेकर के तुम वापिस अपने घर में पहुंच जाओ तो आपको तो संतों की तलाश करनी पड़ेगी और आप समझते हैं न तो आप से पहचान सकते हो ना समझ सकते हो, मालूमी नहीं सब चिंता ना लोग जानते हैं कि किताबों में लिखा तो जरूर है लेकिन पूछा जाए तो उनको कुछ नहीं पाए संत नाम चिंता
कीजिए तो आप आज इस समय नामदान ले लो और ये गोपनीय ये सिद्ध है आत्मा परमात्मा का तो जो जो भगवान का नाम मैं बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में कि प्रसाद में क्या होता प्रसाद ऐसे मुझसे भी होता तो जो उदम से मिलेगा उसको प्रसाद और वो लोगों के लिए नाम कर तो आप ये सब समझना इसको नाम को रूप को स्थान को और भजन को ध्यान को स्मरण को और फिर आप करना शुरू कर फिर ये करत परत जड़वत हो सुना करते करते ये जड़ जीव वो त्रिका दर्शी हो जाते हैं अरे सब कुछ हो जाए तो कलयुग है तो सुना चुका है वो देव बहस है और आपका ऐसा दामन हो ऐसी देव मांगो कि जो फेंका जाए झोली में जाए ये नहीं कि झोली आपने छोड़ दी गिर गई ये नीचे चेक कर दिया उसमें डालो छुपा के रखो ऐसी दया मैं पानी बाहर से भी दया हो जाए दोनों तरफ से अरे इधर से भी इस शरीर की आंखों से भी दामन फैला दो और अंदर आत्मा से भी तुम दामन मालिक के लिए फैला दो वो सबको दे देगा बोलो जय हरो सुबह और शाम में तो मैं पूरा सत्संग सुनाऊंगा जो अभी हुआ और शाम को होगा उसका पूरा लेकिन जो बीच में कार्यक्रम अगर होगा जैसे दो हो गए उसमें मिला जुला मैं आपको सुनाऊंगा प्रसंग भी सुनाऊंगा और उसमें भौतिक बात भी सत्संग जो सत्संग यानी अभी और शाम को और कल सुबह और शाम को यानी प्योर सत्संग लेकिन बीच में मिला था ताकि आपको सब जानकारी ऐसा नहीं है कुछ मुझे बताना भी है कुछ आगे आने वाले समय को भी आपको बताना है हमने इसी स्थान पर पिछले साल हमने घोषणा की उसको हम निर्णय बताएंगे अब जब कुछ नहीं कहेंगे तो आपको हमारे इन शब्दों को याद करना चाहिए हम जिस मंच पर बैठ करके बोल देंगे वो एक भी बात झूठ होने वाली है वो तो मतलब ये तो एक न्याय का उस बोध का तक है उसमें जो कह दिया उसमें इधर उधर होता है अभी बहुत चले आ रहे और बहुत से लोग इच्छा करते हैं कि हम रात में आए थे उनसे तो सुबह हमने दर्शन दर्शन किया और कुछ उनकी तकलीफों को सुना हम जानते हैं कि हर घर में बीमारी है हर व्यक्ति में बीमारी बच्चे बच्चों में बीमारी लेकिन जो हमको माताएं बचपन में महात्मा की शिक्षा का पाठ बच्चे बच्चों को पढ़ा देती थी वो तो आप नहीं और आपने ये रोग बुला दिया बीमारी बुला दी बस भी क्या किया ये तो आपको फिर से बताना ही पड़ेगा अच्छा रहेगा तो नए लोग हैं उनसे फिर मैं नहीं हुआ लेकिन सत्संग के लिए अभी जाइए कुछ मतलब यह कि नाश्ता वास्ता कुछ चाय वगैरह पी लीजिए और पिज्जा पीजिए फिर ढंडोरा पिट जाए तो आप उपस्थित हो जाए बोलिए जय